जो मैंने लिखा, जिंदगी के भाग दौड़ में आजकल मैं थकने लगी, क्या अच्छा और क्या बुरा ये सोच सोच के जिंदगी बिताने लगी। जिंदगी के भाग दौड़ में आजकल मैं थकने लगी, क्या अच्छा और क्या बुरा ये सोच सोच के जिंदगी बिताने लगी। वाह वाह, एक लिख तो दिया लेकिन फिर उसको करेक्शन करने की इच्छा हो रही है। जिंदगी के भाग दौड़ में आजकल मैं थकने लगी, क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या ठीक और क्या भूल ये सोच सोच के जिंदगी बिताने लगी। छोटे से सही हमेशा कुछ अपने दम में खड़े होने का शौक जो था, फिर जब मुझे मौका मिला कुछ कर दिखाने के लिए तब क्यों मैं थकने लगी। सचमुच जिंदगी के भाग दौड़ में आजकल मैं थकने लगी। मुझे तो मौका मिला, लेकिन आपको अगर मौका मिलेगा और उसके साथ आपका कुछ छीन जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, सचमुच अच्छा नहीं लगता है। मैं जब भी कविता क्या कुछ भी लिखने की कोशिश करती हूँ आधे घंटा रोती हूँ। चलिए दो लाइन। कुकिंग तो कर लिए चटापट, राहुल का मनपसंद पहली बार मैंने ट्राई किया और अच्छा लगा उसको। आजकल तो मैं सोचती हूँ एक कुकिंग चैनल ही बना दूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा मैं कुकिंग कर रही हूँ। नहाने से पहले मैंने राहुल का फेवरेट डिश बनाई, आप मानोगे नहीं, मैं इतना डर रही थी, लेकिन हाँ यूट्यूब है, बहुत सारे फ्रेंड है, मेरी मम्मी का टिप्स है, देवाशीष भी टिप्स दे देते हैं ऐसे ही। तो मैं सोची कि चलो ट्राई करती हूँ, उसको इतना बाहर से वो ला के देते हैं तो घर में क्यों नहीं बनाऊंगी, तो बना के दे दिया। आप उसको देख के आइए, फिर मैं जो कविता लिख के आई हूँ ना, ये पेज पेज में कविता लिखती रहती हूँ और ये लिखती हूँ, फिर उसके बाद ढेर सारा करेक्शन करती हूँ। इतने ज़्यादा लिख दिया, क्या मैं बोलूँ, ढेर सारा मन में होता है ना, ये लिख दिया, सेकेंड पेज ये लिख दिया और उसको अभी मैं करेक्शन करके आपके लिए रेडी कर रही हूँ। तो आप और कुकिंग देख के आइए मैंने क्या किया, उसके बाद ढेर सारा बातें करें। तो व्हाइट सॉस के लिए मैंने ढेर सारा गार्लिक को रेडी कर दिए। ग्यारह मिनट बॉईल करने के लिए बोला क्या है और पेपर में लिखा हुआ था ना, तो मैं 12-13 मिनट कर लूँगी। इसमें थोड़ा नमक और ऑयल दे चुकी हूँ, कोई भी ऑलिव ऑयल ले लीजिए और थोड़ा ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम लोग गार्लिक को डालेंगे। मैं सच बोल रही हूँ, मैं बहुत ही कम, ये मेरा सेकेंड या थर्ड बार मैं कर रही हूँ व्हाइट सॉस के साथ पास्ता, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस, जितना हम लोग करेंगे उतना ही सीखेंगे। तो चलिए थोड़ा ज़्यादा गार्लिक लेते हैं। के साथ 1 टीस्पून मैदा मिलाएंगे,
और उसको जल्दी जल्दी भूनने लगेंगे, नहीं तो गाढ़ा हो जाता है ना, गड्ढे मान लेते हैं। और उसके बाद थोड़ा हम लोग दूध मिलाएंगे। अभी दूध मिला दीजिए। पास्ता बॉयल हो चुका है, अच्छे से हो गया है। चलिए उसको पूरा ठंडा पानी से पूरा ड्राई कर लेंगे थोड़ा देर। तो ये व्हाइट सॉस में हो गया मेरा पास्ता। अगर आपको चीज पसंद है आप इसके ऊपर दे सकते हैं और खा सकते हैं। मैं थोड़ा और ड्राई कर लूँगी तो भी अच्छा रहेगा। मुझे डर है इसलिए मैं पहली बार कर रही हूँ। अगर ज़्यादा पसंद नहीं आएगा उसको तो नष्ट होगा। उसके ऊपर थोड़ा चिली फ्लेक्स दे देती हूँ। तो हो गया मेरा पास्ता रेडी। सेठी ना वो इटा गुड़े बड़ा प्लेट लाये लाऊंगे। ऐठी कीमती ढाली नहीं बाबा। गोटे हाथ रे कैमरा पकड़ो। पूजा हो गई है, नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। कॉस्को जाना है और थोड़ा बहुत ऐसे ही आसपास कुछ नया चीज एक्सप्लोर करना है। तो चलिए रेडी हो जाइए आज का नया दिन नया ब्लॉग के लिए। मैं बहुत खुश हूँ आप सबने मुझे इतने ढेर सारा मैसेजेस दे के इनकरेज करते हो, अच्छा लगता है। तो चलिए बैठ जाते हैं और दो तीन मिनट बातें कर लेंगे। तो क्या मैं बोलूँ, मन में जो भी कुछ था सब कुछ निकल गया। ढेर सारा अगर आप रखोगे तो एक ना एक दिन निकलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है, मैं कभी कभी सोचती हूँ बोल दूँ, कभी कभी सोचती हूँ लिखना ज़रूरी है, लिख देती हूँ। ऐसा ही कुछ आज एक छोटा सा कविता, दो लाइन, जो मैं बहुत ही बड़ा है लेकिन अभी तक मैं उसको कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही हूँ, लेकिन आपको पढ़ के सुनाऊंगी दो चार लाइन। अगर आपको अच्छा लगेगा ना मुझे थोड़ा एनकरेज कर दीजिए। तो जो अभी तक उसका जो बहुत सारे चेंजेस कर रही हूँ ना, थोड़ा मुझे कुछ मिल जाएगा। तो चलिए, ढेर सारा करेक्शन करना पड़ रही है। पता नहीं, मुझे लगता है जे मेरा एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा लिखते भी हैं और उड़ीसा का नामी दामी लेखक लेखिका सब हैं, उनके पास मैं भेजना चाहती हूँ। तो चलिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। ये थोड़ा ढेर सारा पेपर को अभी तक करेक्शन नहीं किया। जिंदगी के भाग दौड़ में आजकल मैं थकने लगी, क्या खोया और क्या पाया ये सोच सोच के आजकल दिन बिताने लगी। सचमुच क्या खोया और क्या पाया यही सोच सोच के जिंदगी बिताने लगी। जिंदगी के भाग दौड़ में आजकल मैं थकने लगी, क्या अच्छा और क्या बुरा, क्या ठीक और क्या भूल ये सोच सोच के जिंदगी बिताने लगी।
आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा एक पंक्ति आज मैं ये पढ़ के आपको सुनाने लगी। अगर आपको अच्छा लगेगा ना, आप मुझे बोलिए, मैं उसका सचमुच लग जाऊंगी ठीक करने के लिए। क्योंकि आप देखिए, मैं अभी तक करेक्शन नहीं किया। यहाँ कुछ लिख देती हूँ, यहाँ कुछ लिख देती हूँ, यहाँ भी कुछ लिख देती हूँ। कहाँ से पेपर लाऊंगी? ओ सोच सोच के कहीं भी ड्रॉयर से, यहीं आसपास कोई पढ़ता रहता है, मैं उधर लिख देती हूँ। पता नहीं, सचमुच मुझे लिखने के इतना ज़्यादा अंदर से आ रही है। और हमेशा मैं सोचती रहती हूँ, हमेशा, जे कविता के माध्यम से मेरा मन की बात लिखूँ या कुछ जो डेली जर्नल है ऐसे लिखूँ, पता नहीं। लेकिन आपको कैसा लगा मुझे बोलिए, फिर मैं उसको कंप्लीट करके ज़रूर आपके पास पहुँच जाऊँगी। एक दिन कविता पढ़ के आपको सुनाऊंगी। और कुछ ऐसा भूलोगा ना, आप मुझे गाइड कर दीजिए। कोई भी ऐसा सब्सक्राइबर और व्यूअर है जिनका ढेर सारा इसमें ज्ञान है, तो मुझे थोड़ा हेल्प कर दीजिए। क्योंकि हम तो बहुत सारी चीज़ ऐसे लिखते हैं, लेकिन उसको कैसे अच्छे से बना के, एक कविता को जैसे प्रेजेंटेशन बनाना है ऐसे प्रेजेंटेबल, ऐसे मुझे नहीं आ रही है। लेकिन ढेर सारा लिखती रहती हूँ, कहीं भी हो, कभी भी मन में चलती रहती हूँ, सोच सोच के कहीं भी खो जाती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यही रख रही हूँ। कुकिंग करना, कविता लिखना आजकल मेरा नया फैशन आ गया है। सचमुच कुकिंग से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ मैं भूल जाती हूँ और उसमें खो जाती हूँ। हाँ, और एक चीज़, कुकिंग के अलावा बहुत टेंशन भी हो रहा है शाम को जब मैं बैठ जाती हूँ फैक्ट्री के बारे में। मैं जल्दी आपके पास पहुँचूँगी जब मैं यहाँ से क्या मैनेज कर रही हूँ, कैसे चल रहा है और क्या क्या करूँगी आगे आगे। तो चलिए, कल फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ आपके पास हाजिर हो जाऊँगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग, ऐसे ही हंसते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। और मैं ऐसे ही आपके पास हर दिन ब्लॉग लाने के लिए कोशिश करती रहूँगी। तो चलिए, बाय बाय बाय।